हरे कृष्ण। देख लो कितना भीड़ है, कितना भीड़, हजारों लाखों भक्त हैं और साधारण मनुष्य भी हैं जो थोड़ा इंजॉय करना चाहते हैं, वो भी जौनपुरी में आके समुद्र में नहाते हैं, इधर उधर रहते हैं। आप देख रहे हो कि कोई नहा रहे हैं और हम सब महात्मा लोग तो, हम सब भक्त महात्मा लोग तो पढ़ के मकर ही रहे हैं, साथ में बहुत सारे भक्त भी हैं, कोच है, गुरा है, कैमरामैन है, तो आप जरूर आए जौनपुरी में। अगर आपको पूरी में आने में मदद चाहिए तो मैं ज़रूर आपको हेल्प मदद करूँगा, लेकिन आप जरूर पूरी में आए जब आपको मुद्रा ले लें। साथ में ये बहुत ही सुंदर एक आनंदमय जगह है जहाँ पे आप, जहाँ पर आपको बहुत आनंद मिलेगा, खुशियाँ मिलेगा। देखो बच्चे लोग घरों में ऊँट में चल रहे हैं, जैसे किसी को मिट्टी में मिट्टी डाल के रेती डाल के समाधि दे रहे हैं, तो इतना सुंदर जगह में आप क्यों मिस करोगे, घर में रह के क्या होगा। देखने साल में एक बार तो आना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ कि 10 महीना परिश्रम करो और 2 महीना खुशियाँ बनाओ, और 10 महीना परिश्रम करके पैसे कमाओ और 2 महीना, 1 महीना मायापुर, 1 महीना वृंदावन में आके आनंद करो, आनंद बनाओ, क्योंकि जीवन में आनंद आने का बहुत जरूरत है। सब नहा रहे हैं, हम भी अभी नहाएंगे, जाके घर में जाके कपड़ा मोबाइल छोड़ के आके नहाएंगे, क्योंकि नहाने के लिए फिर मोबाइल फोन देखभाल करेगा। हरे कृष्ण, राधे राधे। तो हम भी आके नहाएंगे अभी। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, जय जगन्नाथ। अभी हम आके नहाएंगे, मोबाइल घर में छोड़ के आके। आप देख रहे हो वो दादा अमला चले, इतना सुंदर है समुद्र, जाना कोई समुद्र है, जरूर आप आओ और आके आनंद बनाओ। ऐसा पानी है, पानी है आगे, पानी हमें नहाने के लिए। वास्तव में पैसा तो बहुत ज़रूरत है, पैसा है दुनिया है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। आपका आने के लिए ज़रूर पैसा लगेगा, इसलिए तुम्हें बोलते हैं 10 महीना परिश्रम करके पैसा कमाओ और 2 महीना खुशियाँ बनाओ, आनंद करो, जानापुरी में आए पूरा चेक नहीं। अरे हमें एक्चुअली जे जगह पाठिए कल के नेटवर्क प्रॉब्लम होते जाएगा, देखिए तरह हाँ बाहर आज नहीं।